रोजाना रेगुलर डोसा खाकर बोर हो गए हैं, आइए साथ मिलकर डोसे को आज एक नया ट्विस्ट देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपा अग्रवाल और आज हम बनाने जा रहे हैं चीजी क्रिस्पी कॉर्न डोसा आपके फेवरेट चैनल दीपास रेसिपीज पर। तो दोस्तों, चीज कॉर्न डोसा बनाने के लिए हमको चाहिए बैटर, एक लाल चटनी बनेगी लहसुन की, और हमको चाहिए उसके ऊपर स्प्रेड करने के लिए थोड़ा सा सॉस जो चीज़ और कॉर्न से बनेगा। बैटर तैयार करने के लिए हमको यहाँ पर चाहिए 2 कप चावल, आधा कप उड़द का मोगर, 1 चम्मच चने की दाल और आधी टीस्पून मेथी दाना। चने की दाल से उसको एक अच्छा सा गोल्डन कलर मिलेगा हमारे डोसे को, और मेथी दाना से अच्छी जाली पड़ेगी हमारे डोसे पर। यहाँ ये बैटर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है दोस्तों, देखिए आप देख सकते हैं इस बैटर को। ये बैटर मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया था। इस बैटर को हम थोड़ा सा पतला करेंगे, पतला करने से डोसा थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा और अच्छी जाली पड़ेगी उस पर। देखिए ये किस कंसिस्टेंसी का बैटर मैंने यहाँ पर तैयार किया है, ये कंसिस्टेंसी हमको चाहिए इसकी, थोड़ा पतला ही रखेंगे। अब इस बैटर में मैं डालने जा रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक हमको टाइम पर डालना है, जब हम बनाने जा रहे हैं डोसा उस समय इसमें हमको नमक ऐड करना है। ये सारी चीज़ों को मैंने रात भर भिगोकर और सुबह एक बारीक बैट पीस कर इसका एक बैटर तैयार कर लिया था। चलिए दोस्तों, तो हमारा बैटर यहाँ पर तैयार है। बैटर के बाद में हमको चाहिए यहाँ पर लाल चटनी। लाल चटनी बनाने के लिए हमको चाहिए लाल मिर्च का पाउडर, 3-4 लहसुन की कली, 1/4 टीस्पून जीरा हम डाल देंगे, और चटनी के लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। इन सबको पीसकर हम एक बारीक चटनी तैयार कर लेंगे। ये लाल चटनी हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है, लहसुन और लाल मिर्च की, ठीक है दोस्तों। अब हम बना लेंगे इसके लिए सॉस, जो स्प्रेड हम इस पर फैलाने वाले हैं वो स्प्रेड हम बना लेंगे। सॉस बनाने के लिए हमको चाहिए 1/2 टीस्पून बटर, 2 टीस्पून मैदा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, और उसके लिए हमको चाहिए थोड़ा सा दूध, और फिर हम उसमें ऐड करेंगे कॉर्न, स्वीट कॉर्न। ये मैंने उबाल कर तैयार कर कर रख लिया, आप चाहे तो प्रिजर्व कॉर्न का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सॉस बनाने के लिए पहले हम कढ़ाई में बटर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम बटर इसमें ऐड करेंगे। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसी के साथ में हम इसमें यहाँ पर मैदा ऐड करेंगे, और इसको हम बटर में सेक लेंगे इस मैदा को थोड़ा सा। जैसे हम हलवे के लिए सेकते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर मैदा को बटर में अच्छे से सेक लेंगे थोड़ा गोल्डन होने तक। जब तक ये मैदा यहाँ पर सेक रहा है तब तक हम यहाँ पर थोड़े से प्याज और शिमला मिर्च को भी बटर में सॉटे कर लेंगे, ताकि हम इसको सॉस में बाद में ऐड कर सकें। दोस्तों, इन सारी चीज़ों में नमक हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे, क्योंकि बाद में चीज़ में बटर में भी नमक होता है, इसलिए हम इसमें नमक थोड़ा सा कम रखेंगे। मध्य आंच पर हम इसको सॉटे कर लेंगे 2 मिनट के लिए। देखते हैं यहाँ पर हमारा सॉस कैसा बना है। मैदा सीख रहा है अभी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैदे का कलर अब थोड़ा सा गोल्डन पिंकिश कलर हो गया है, अब ये सीख चुका है। कि सीख जाने के बाद में हमको धीरे धीरे इसमें दूध ऐड करना है घुमाते हुए। इसको हमें कंटिन्यू हिलाते रहना है, नहीं तो इसमें थोड़े से गुठले पड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा पड़ चुका है, एक पेस्ट जैसी इसमें थोड़ी सी टेक्सचर आ गई है इसकी। जब ये दूध पूरी तरह से प्लेन हो जाए, कोई गुठले इसमें ना रहे, लम्स इसमें ना रहे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ऊपर से और चीज़ आने वाली है। उसके बाद में इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच शक्कर, जो कि टेस्ट को बैलेंस करने में मदद करेगा। इस सॉस को आपको बहुत ज़्यादा जाड़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने पर यह और थिक हो जाएगा, तो बहुत थिक भी हमको इसको नहीं करना है। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे ये जो प्याज और शिमला मिर्च हमने यहाँ पर सॉटे कर ली थी बटर में, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे।
एक बार ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा और थिकनेस इसमें आ जाए, फिर हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न। और इस सॉस में अब हम मिलाने वाले हैं जो हमने तैयार कर ली थी लाल मिर्च और लहसुन से बनी हुई ये चटनी, जिससे इसको एक गार्लिक फ्लेवर मिलेगा और थोड़ा तीखापन इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों ये सॉस हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। स्प्रेड हमारी देखिए कितनी थिक है, ठीक है। चलो अब हम फटाफट से डोसा बना लेते हैं। डोसे के लिए मैंने यहाँ पर तवा गर्म रख दिया है। अच्छा, गर्म हो जाने के बाद में ही इस पर हम डोसा डालेंगे। एक चम्मच बैटर लेकर सेंटर में डालकर आराम से और इसको धीरे धीरे फैलाएंगे। मैंने गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखी है। देखिए कितना मस्त से ये डोसा यहाँ पर फैल गया है। डोसा थोड़ा सीख जाने के बाद में हम उस पर थोड़ा थोड़ा बटर ऐड करेंगे। बटर अच्छे से पूरे डोसे पर फैलाएंगे, बटर ही टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा लगता है चीज कॉर्न डोसे में। फिर हम इसमें लगाएंगे थोड़ी सी लाल चटनी, वैसे हमने सॉस में मिला रखी है, इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब बारी है इस पर हमारा सॉस स्प्रेड करने की, जो हमने कॉर्न से बनाया है। यहाँ पर धीरे धीरे इसको पूरे डोसे पे अच्छे से फैला लें कॉर्न को और सॉस को। इसी कंसिस्टेंसी का आपका ये सॉस होना चाहिए, सो दैट इजीली ये डोसे पर स्प्रेड हो जाए और बहुत थिक भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो। देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये हमारे डोसे पर यहाँ पर स्प्रेड हो गया है। और आखिरी में इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीज। एंड नाउ आई होप ये देखो साइड से उठने लगा है थोड़ा सा, डोसा सीख भी गया होगा बढ़िया सा। देखिए ये साइड्स इसके ब्राउन होने लगे हैं, थोड़े से गोल्डन होने लगे हैं। अच्छी तरह से सीख जाए ये डोसा और फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये निकल चुका है, अच्छी तरह से सीख चुका है डोसा। यहाँ पर हमारा ये कॉर्न डोसा अच्छे से बनकर तैयार है। देखिए क्या बढ़िया गोल्डन कलर इसको आया है, आप देख सकते हैं। हमारा ये डोसा बनकर तैयार है, आइए इसको जल्दी से प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो तैयार है हमारा चीज़ कॉर्न डोसा। यहाँ पर मैंने इस डोसे को यहाँ पर गन पाउडर के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो किसी भी चटनी या सॉस के साथ इसे सर्व करें या इसे आप कोरा भी खा सकते हैं। ज़रूर बनाइए, मुझे बताइए कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नई रेसिपी के साथ।